अगर बच्चों को घर में प्यार और मोहब्बत का माहौल ना दिया जाए तो उन पे मनफी असरात कौन से होते हैं, आइए अब हम जवाब लेते हैं। बिल्कुल, ये नफ्सियाती पहलू से भी अगर देखा जाए कि जिन बच्चों को प्यार मोहब्बत नहीं मिलता उनके अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और बहुत सारी ऐसी कभी आदत आ जाती हैं कि जिनको अच्छा इस्लाम ने भी कहा कि ये सही नहीं है। और उसकी वजह यही है कि बच्चों को वो मोहब्बत प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती कि जिस तरह से मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चे जो है के अंदर खुद एतमादी नहीं आती, बच्चे के अंदर गज़बनाक बच्चा बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी उसको आ जाता है। और ये इसी वजह से आता है कि अगर हम माहिर नफ्सियात का भी ये कहना है कि अगर इंसान की ज़िंदगी को जो है वो ट्रेस किया जाए तो जो ऐसा इंसान है जिसमें ये आदतें पाई जाती हैं तो वही बचपन में उसमें वो कमियां रह गई हैं कि जिसकी वजह से ये कोताहियाँ उसके अंदर आ रही हैं और ये कजियाँ उसके अंदर आ रही हैं। और बाज़ औक़ात होता है कि जैसे वालदैन, अब बच्चे को ज़रूरत है माँ बाप की, घर के माहौल की, लेकिन वालदैन जो है वो बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं, बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं कि बच्चे को जो है ना वो अच्छी तरबियत मिले और वहाँ पर वो अच्छा पढ़े। तो बोर्डिंग स्कूल में जाकर खुसूसन जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं कि वहाँ पर जाकर उनको अच्छा खाना हो सकता मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि मुनज़्ज़म बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं, अपनी रूटीन्स उनकी एक प्रॉपर। हाँ जी, इस हद तक तो ठीक है कि वो अगर बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो उनकी रूटीन अच्छी हो जाती है, वो टाइम से सोना, टाइम से उठना, क्योंकि एक मैकेनिकल ज़िंदगी है वहाँ की, एक मशीनी ज़िंदगी है। तो लेकिन जो माँ बाप की मोहब्बत है उसका मुतबादल बोर्डिंग हाउस में नहीं मिलता, उसमें कमी रह जाती है। यानी वहाँ आपको तालीम अच्छी मिल जाएगी लेकिन ये शर्त नहीं है कि वहाँ पर तरबियत भी बहुत अच्छी हो। यानी बच्चे की शख्सियत तबाह हो जाती है लेकिन वो एक मशीन पूरा मशीन बन जाता है। और हमें तालीम के साथ साथ तरबियत की अशद ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि वो तालीमी याफ्ता होते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेशन उनके पास है, लेकिन बोलने का सलीका नहीं है, बड़ों का एहतराम नहीं है। तो यही वजह है कि जिन पेरेंट्स ने सिर्फ तालीम पर तवज्जो दी है कि हमारा बच्चा MA कर जाए, MEd कर जाए, MPhil कर जाए, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि तालीमी याफ्ता शख्स की ही इस माशरे में ज़रूरत है। लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है और तरबियत जो है वो माँ की आगोश से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मोहतरमा, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चे को बचपन में प्यार और मोहब्बत सही तरह नहीं मिलता तो बहुत सी कमियां रह जाती हैं, तो हम ये जो देखते हैं कि बच्चों के अंदर गुस्सा हो पाया जाता है, चिड़चिड़ापन पाया जाता है या बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, तो क्या इसकी यही वजह है कि बचपन में कमियाँ रह गई थी उनमें? बिल्कुल, कि जो बच्चे बाज़ जो है वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, नशे पर लग जाते हैं या उनमें और बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती हैं, तो असल में वही बच्चों के अंदर प्यार मोहब्बत का फुकदान होता है कि जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये बुरी आदत आ जाती हैं। जैसे 500 कैदियों पर जब रिसर्च की गई तो उन कैदियों में से बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने पहला जुर्म जो है वो 12-13 साल की एज में किया, और जब रिसर्च की गई तो उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जिनकी वजह से जो है वो बच्चों में ये बुरी आदतें आ गई थी। ये तो बहुत ही मोहतरमा अहम मौजू है और हम जिसको इतना हल्का लेते हैं ये तो बच्चों पर बहुत मनफी असरात मुरतब करता है। मैं अपने मेहमानों की राय यहाँ लेना चाहूँगी, क्या वाकई आपकी राय में ऐसा ही है कि अगर बच्चों को प्यार और मोहब्बत ना दी जाए तो इस तरह के मनफी असरात उन पर पड़ते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी राय के अंदर ऐसे ही है बिल्कुल। और आसपास में भी जब जितना ही देखा है उसमें यही देखा है कि जिन बच्चों के अंदर बाद ऐसे कज़न्स देखे हैं कि जिनके वालदैन जल्दी चले गए इस दुनिया से, और कोई मतलब के जो उनके अजीज़ो करम में अगर किसी ने उनका वैसे नहीं किया, सरपरस्ती नहीं किया, तो देखा है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो मौलमा से ये है कि हम चाहते हैं अपने बच्चों को प्यार करना, लेकिन इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि लाड़ से बचा जाए ताकि एक म्याना रवि के लेवल पर आकर बच्चों से प्यार मोहब्बत कीजिए, तो इसमें हमें ज़रा गाइड कीजिएगा। जैसे मैंने पिछली नशिस्त में भी अर्ज़ किया था कि वालदैन को अफरात व तफरीत का शिकार नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना प्यार मोहब्बत के। बाज़ औक़ात होता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, बाज़ औक़ात होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अब डांटना ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो हमने उसको मना नहीं करना कि नहीं ये मोहब्बत है, मना करना लेकिन अच्छे अंदाज में,
बेहतर तरीके से, और अगर अपनी बात मनवानी भी है तो अच्छे अंदाज में, और प्यार इतना बेजा नहीं करना कि अगर बच्चा गलत बात भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है, तो हम मोहब्बत से बार बार उसी बात को तकरार कर रहे हैं और कहें कि नहीं बेटा दोबारा सुनो, क्योंकि जब बच्चा तोतली ज़बान में बोलता है तो वालदैन को उसका वो लबो लहजा बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो ये भी लाड प्यार नहीं है। और डांटना इस हद तक नहीं है कि बच्चा आपसे बागी हो जाए, के तरीके के साथ बच्चे को कायल करना है। क्योंकि जैसे हमारे प्रोग्राम का उनवान भी बागबान है, तो बागबान का काम यही होता है कि वो बच्चों के जो भी चीज़ें उनकी तरबियत की राह में माने हैं उससे वो दूर करते जाएं, और जो चीज़ें उनकी ज़रूरत है वो उनको मुहैया करें। तो इसी तरह उसमें ये जो मारपीट और गुस्से का इजहार है, ये बच्चे की शख्सियत उभरने में या बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैने में बहुत बड़ी रुकावट है। तो जहाँ इससे रोका जाए, और दूसरा ये कि उनकी शख्सियत को ग्रूम किया जाए, उनकी तरबियत की जाए, उनको सही गलत का तफरीक बताया जाए। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि वालदैन सपोर्टर हैं, माविन है बच्चे की तरबियत। अब जैसे बागबान से मेरे जहन में एक बात आई कि जैसे एक बाग है तो वहाँ पर एक माली भी है जो उसकी पौधों की देखभाल करता है, उनकी कांट छांट करता है। अगर वो दरख्तों की पौधों की कांट छांट ना की जाए तो वो क्या होता है कि एक दरख्त की टहनी दूसरे में जाकर अटक जाती है, कि वो ये खूबसूरत आपको गार्डन नहीं लगेगा। उसके लिए माली का रखना शर्त है, चाहे आप खुद उसकी कांट छांट करें या कोई हायर करें। इसी तरह से बच्चे हैं कि अगर आपकी तरबियती पहलू आपके जहन में नहीं होंगे, बच्चों की कांट छांट नहीं की जाएगी, यानी सही और गलत की तमीज़ नहीं दी जाएगी, तो ये बच्चा जो है वो माशरे में जाकर बहुत नुकसानदेह है, एक अच्छा इंसान माशरे के लिए साबित नहीं होगा। और ये बागबानी बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है अगर वालदैन इस चीज़ को समझ आए, और जैसे आपने पहले भी कहा था अगर वालदैन तरबियत याफ्ता हूँ तो इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बच्चे की शख्सियत बना सकते हैं और उनकी तरबियत कर सकते हैं। मौलिमा, आखिरी सवाल जो इस प्रोग्राम का मैं आपसे करना चाहूँगी वो मैं ये कहूँगी कि आप ये वजाहत फरमाएं कि इस्लाम ने इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र पेश किया है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि इस्लाम ने तरबियत औलाद का मौजू बहुत संजीदा लिया है और शदीद इसरार है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आया जाए। और आले रसूल से मनकूल है, एक हदीस में पाया जाता है कि कुछ वालदैन पर अल्लाह इसलिए रहम करेगा कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बच्चों से प्यार करना बेहतरीन अमल है।